विधान 513 कोलकाता में ऐतिहासिक आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा विधान कोलकाता में आज तक नहीं हुआ। श्री सिद्ध चक्र विधान 513 के दूसरे दिन धार्मिक कार्य काफी उत्साह से शुरू हुए। हावड़ा के गुलमोहर पार्क में एक ऐतिहासिक और भव्य काय पंडाल का निर्माण किया गया, जहां पर संपन्न हो रहे हैं 513 के सभी धार्मिक कार्य। दिनांक 4 नवंबर प्रातः 5 बजे से विधान की शुरुआत हुई। स्टेज और पूरे पंडाल में 513 मांडले जी सजाए गए हैं, जहां पर 513 परिवार बैठकर और इस धार्मिक कार्य में शामिल होकर अपनी जिंदगी को बना रहे हैं वह जिंदगी। सबसे पहले 100 धर्म इंद्र के नेतृत्व में कई पात्रों ने श्री जी को अपने सर पर विराजमान कर वेदी पर स्थापित किया और फिर भगवान के अभिषेक किए गए। तत्पश्चात आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज का पदार्पण पंडाल में हुआ। भगवान के अभिषेक और शांति धारा कर लोग अपने आप को धन्य समझ रहे थे। शांति धारा के पश्चात यंत्रों का भी प्रक्षाल हुआ और भगवान की आरती की गई। मंच पर एक विशाल मांडले भी स्थापित किया गया था, जिसे भव्य तरीके से सजाया भी गया था। आचार्य सुबल सागर जी महाराज ने अपने हाथों से श्रद्धालुओं पर गंधोदक वितरित किया, जिसे अपने सिर पर लगाकर श्रद्धालु अपने आप को धन्य समझ रहे थे। प्रक्षाल के बाद भगवान को पुनः विराजमान किया गया। आचार्य सुबल सागर जी महाराज ने विधान की शुरुआत कराई। जिन लोगों ने मांडले लिए हुए थे, उन सभी से विधि विधान के साथ आचार्य श्री ने मांडले जी पे कलश स्थापित कराया। पंडाल में हजारों की संख्या में केसरिया वस्त्र में महिला और पुरुष मौजूद थे। जहां पर भी नजर जाती, केवल केसरिया रंग ही नजर आता। आचार्य सुबल सागर जी महाराज ने मांडलों पर बैठे हर एक परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। विशाल पंडाल में लगातार संगीतमय भजनों की प्रस्तुति हो रही थी, जिससे मंत्रमुग्ध होकर श्रद्धालु नृत्य कर रहे थे। आज
इस विधान में केवल कोलकाता और हावड़ा ही नहीं, देश के कोने कोने से सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कोलकाता के इतिहास में पहली बार इतने श्रद्धालु एक साथ बैठकर धार्मिक कार्य कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि धार्मिक कार्यों में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं के अलावा संपन्न हो रहे इन कार्यक्रमों को देखने के लिए भी श्रद्धालु मौजूद थे। इस ऐतिहासिक 513 विधान में शामिल होकर हजारों लोगों ने तो अपने जीवन को धन्य बना लिया है। और अगर आप अभी तक इस विधान में नहीं पहुंचे हैं या फिर इन धार्मिक कार्यक्रमों को नहीं देखा है, तो आज ही हावड़ा के गुलमोहर पार्क आइए और अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।